गई है। मर जाने दीजिए मुझे। क्यों मरना चाहती हैं आप? क्यों मरना चाहती हैं? इस गंदे इंसान की हवस ने मेरी मर्यादा, मेरा सब कुछ लूट लिया है। एक औरत को औरत नहीं रहने दिया इसने। इसने मेरी पवित्रता को भ्रष्ट किया है। भ्रष्ट ये पापी है आप नहीं। सीता जी को रावण ने हरण किया था, लेकिन लोगों ने सीता जी को मैया कहना नहीं छोड़ा, बल्कि रावण को राक्षस कहा। द्रौपदी जी का वस्त्र हरण कौरवों ने किया था, लेकिन द्रौपदी जी की मर्यादा कम नहीं हुई, बल्कि लोगों ने कौरवों का बहिष्कार किया। जान देकर इन लोगों के हौसलों को मत बढ़ावा दो बहन। मेरी भी एक बहन थी, आज वो जिंदा होती तो आप ही की तरह होती। आज अगर आपकी जगह वो होती तो मैं उसे भी यही कहता, आप धीरज छोड़ देंगी तो समाज के नासूर पनपते रहेंगे। आप घर जाइए, मैं इसे पुलिस के हवाले करके आता हूं। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए आप। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर उन्हें इस हादसे के बारे में पता चल गया तो वो इसे जान से मार डालेंगे और खुद को भी खत्म कर लेंगे। कम से कम मेरे ना रहने से उन्हें इस हादसे के बारे में पता तो नहीं चलेगा। ये भी तो हो सकता है, आपके ना रहने के गम से आपके पति मर जाए। मैंने आपको बहन माना है, जब तक मैं जिंदा हूं आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इस हादसे का पता किसी को नहीं चलेगा। ये एक भाई का अपनी बहन से वादा है। कैसे हुआ? प्रेम बेटी की ऐसी हालत किसने की? अजय सक्सेना ने। ये रहा उसका पर्स, ये कागजात और ये कार्ड। तुमने बहुत अच्छा किया जगराज, जो इस ड्राइवर को प्रेम के कपड़े पहना दिए। अब कानून अजय सक्सेना को ही प्रेम का कातिल समझेगा। इस तरह बगैर इजाजत के पुलिस फोर्स के साथ किसी शरीफ आदमी के घर में आने की वजह पूछ सकता हूं एसीपी साहब? पुलिस किसी शरीफ आदमी के घर में दो ही वजह से आती है, या तो उसे कोई बुरी खबर सुनाने, या उसके चेहरे से शराफत का नकाब उतारने। यही तो आपका डिपार्टमेंट मार खा गया। आप लोग शरीफों का अपना दुश्मन समझते हैं और बदमाशों का अपना दोस्त। Anyway, यहाँ आने की वजह? कल तुम सुंदर घाटी की पहाड़ी पे गए थे। एसीपी साहब, आप शायद भूल गए हैं कि यह देश आजाद हो चुका है, और एक आजाद हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे सुंदर घाटी तो क्या, हिमालय पर्वत पर भी जाने की आजादी है। और उसके साथ कत्ल करने की भी आजादी मिली है तुमको। कत्ल? किसका कत्ल? प्रेम कुमार का। एसीपी साहब, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं उस हरामजादे को जरूर जान से मार डालता, क्योंकि उसने एक मासूम औरत की इज्जत लूटी थी, और उस वक्त मुझे उस औरत की जान बचानी थी, इसलिए साला वो कुत्ता मेरे हाथों से बच गया। बचा नहीं, मर गया। यह है वो पर्स जो मुझे लाश के पास से मिला। मैं तुम्हें प्रेम कुमार के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। एसीपी साहब, आप मेरे भाई को किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब अदालत देगी,
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनकी बाकी की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो ये सोचना है कि जब तक अजय को फांसी नहीं हो जाती हमें प्रेम को पुलिस से छुपा कर रखना पड़ेगा। मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जगराज, वो मेयर के हथियार छुपाने वाली जगह ठीक रहेगी। लेकिन एक बात हम सब भूल रहे हैं, हमने दीनानाथ को 19 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, वो वादा आज का था और वो आता ही होगा। काहे का वादा बेटे, उसे आने दो, उसे एक रुपया तो क्या, मैं उसे गोली मार दूंगा। लो, मैं आ गया। चलाओ गोली, चलाओ। मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आया तो था अपने पैसे वसूल करने के लिए, लेकिन लगता तुम लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही चला जाता हूं, लेकिन एक बात कह के जाता हूं कि मेरे यहां से बाहर जाते ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। मेरे जाने के बाद अपनी मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर देना। नहीं जगराज, इसे जाने दो। एक बार मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए फिर देख लूंगा इसे। भैया तुम्हें इस लड़की का नाम बताना होगा जिसे बचाते हुए प्रेम कुमार की मौत हुई। अगर मैंने उस लड़की का नाम बता दिया तो सारी दुनिया के सामने वो रुस्वा हो जाएगी। क्या उस लड़की का नाम आपको मुझसे ज्यादा प्यारा है? ठीक है भैया, अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी जिद्दी हूं। मैं देखता हूं ये कानून आपको कैसे सजा देती है। मैं आपको इन सलाखों के पीछे अब ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा।